देखिए मैं इसको आपको चला के भी बताती हूँ। इसकी ग्रेवी की थिकनेस देखिए इस तरह से, ये तो एकदम बढ़िया सा टेम्पटिंग चना बन के तैयार हो गया है, चना मसाला। अभी मैं बनाने जा रही हूँ चना मसाला की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने भिगोए हुए चने को प्याज लहसुन मिर्ची तेल राई का तड़का रख के ये दो सीटी मार के इस तरह से उबाल लिया है। मतलब ये घुगनी जो मैंने घुगनी बचाई थी तो वो बची है, तो उसका ही मैं चना मसाला बना रही हूँ। तो इस तरह से, और अगर आप ऐसा नहीं है तो आप इसको बॉईल करके चने रख ले, और मैंने प्याज और लहसुन इसमें पहले से ही डाला हुआ था तो अभी मैं तड़के में इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये हो गया अपना चना, और वही उबला हुआ जो पानी बचा था वो है चने का। और तड़के में लेंगे राई, मेथी, जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया और सौंफ। खड़े मसाले में लेंगे लाल मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, बादियान, बड़ी इलायची है इसमें, और ये है धनिया, मिर्ची, हल्दी और हींग। ये है अमचूर पाउडर जो थोड़ा डालेंगे बाद में। ये गरम मसाला है, ये बेसन है, और ये है नमक। और अब मैंने ये कुकर में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें जाएगा तड़का। तड़का क्रैकल होते ही अपने इसी में डालेंगे उसी स्टेज पे वापस ये साबुत खड़े मसाले। और ये खड़े मसाले क्रैकल होते ही आँच अपने एकदम धीमी कर देंगे, और इसी स्टेज पे डाल देंगे ये बेसन, और इसको एकदम धीमा आँच पे थोड़ी लगभग 20-30 सेकंड इतना भूनना है। देखते हैं धीमी आँच पे, ये क्या है, बेसन का थोड़ा कच्चापन भी निकल जाए, और ऐसे करने से इसमें सौधा टेस्ट आ जाता है। और जबकि मैंने तो मतलब घुगनी में ये चने में सब चीज़ मिक्स करके किया हुआ ही है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा जाना है नहीं। अब इसी स्टेज पे डालेंगे मिर्ची, हल्दी, धनिया और हींग, और इसको भी अब इस अपने एक मिनट थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, हल्का सा 10-15 सेकेंड, ज़्यादा नहीं, मसाला जल जाएगा नहीं तो। और इसी स्टेज पे अपने ये डाल देंगे बॉईल चने की घुगनी या बॉईल चना, और अपने इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसमें मसाले का एक पेस्ट आ जाए। और अब अपने इसी स्टेज पे डाल देंगे नमक। नमक बॉईल चने में भी था इसलिए सिर्फ ये पानी और थोड़ा मसाला बना है उसी के हिस्से का जाएगा। और उसके बाद डाल देंगे अपने इसमें ये पानी, और अब इसको चला लेते हैं। अब चलाने के बाद इसको एक सीटी मार देते हैं क्योंकि लगभग सब सूख ही है, और बाद में फिर अब अपने कुकर खोल के देखते हैं। ये देखिए ये अपना चना मसाला बनके रेडी हो गया है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसकी थिकनेस है, ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं अच्छा लगता। बस इसी स्टेज पे अब अपने इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब अपने ये डालते हैं हाफ टेबल स्पून पर टी स्पून आमचूर पाउडर, और 1/3 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इसको एक बार चला के 2 मिनट के लिए और होने देते हैं। अब अपनी ये सब्ज़ी देखिए बढ़िया बनके तैयार हो गई है। ये गया धनिया, और अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आप ये सब्ज़ी थोड़ी मीठी पसंद करते हैं तो इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा गुड़ डाल दो या चीनी डाल दो अगर मीठी पसंद है तो। अब अपना ये चना मसाला बनके तैयार है, और अपने इसको धनिए से
गार्निश करेंगे। तो ये हमारा चना मसाला बनके रेडी है, तो एकदम बढ़िया सी सब्जी है। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ये आज बना है बढ़िया चना मसाला, चना मसाले की सब्ज़ी बनी है, ठीक ग्रेवी और एकदम बढ़िया सा अपना चना मसाला बनके तैयार हो गया है। तो ये है अभी रेडी टू सर्व। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।